दोस्तों, हमारे पास एक MI का LED TV आया है, जिसका जो मॉडल नंबर है वो है L43M6E1। ये इसका जो प्रो मॉडल आया LED का, वो वाला मॉडल है ये। और इसके अंदर जो फॉल्ट है, मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ। पहले इसका पावर ऑन करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। ये MI लोगो आ गया। अरे, वापस बंद हो गया और वापस अपने आप ऑन हो गया। इसके अंदर जो फॉल्ट है वो रीस्टार्ट का फॉल्ट है। इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसका जो पावर है उसको बंद कर देते हैं। इसको आज हम रिकवरी मोड से कैसे ओके कर सकते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। और इसमें दो तीन मेथड से ये आपका हो सकता है, आप कस्टमर एंड पे हो तब भी हो कर सकते हैं इसको। और इसका पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर से कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए आपको ये कीबोर्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ये रिमोट है वो काम करना बंद कर देता है। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, और इसका सर्विस कोड ओपन करने के लिए, जो पुराने प्रो मॉडल से पुराने मॉडल थे उसमें क्या करना पड़ता था, बैक और ओके जो बटन है ये दबा के, पावर बटन दबा के आपको पावर देना पड़ता था। बट इसके अंदर जो नए प्रो मॉडल है, जो नए मॉडल है उसके अंदर आपको ये बैक और जो ये ओके बटन है इसको दबा के रखना है और आपको जो पावर दे देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो सर्विस कोड है, जो रिकवरी कोड है वो खुल जाएगा। देख सकते हैं, मैं आपको दबा के रख रहा हूँ इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप, डायरेक्ट एंड्रॉयड रिकवरी मोड खुल चुका है। और इसके अंदर ये देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि ये रिमोट काम करना बंद कर देता है। और इसके अंदर आपको ये कीबोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड का ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको क्या करना है, ये USB वाला कीबोर्ड है, ये आप LED के पीछे पहले लगा लेंगे ये आप, या फिर आप एक बार टेस्ट करने के बाद वापस लगा सकते हैं। इसमें आपको रिकवरी मोड में करना है, आपका MI के बाद एंड्रॉयड या फिर जो गोले गोले से आते हैं एंड्रॉयड का जो बूटिंग सिस्टम आता है वहाँ तक ये जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट है इस पे ला के आपको ये ओके कर देना है। और आप पूरा वो क्लीन होने के बाद इसको रिबूट करके देखना है, आपका विदाउट पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर ये सेट ओके हो सकता है। बट इस सेट में ये किसी ने ऑलरेडी ये कर दिया है, तो इससे ये हमारा जो है वो सेट ओके नहीं हो रहा। तो मैंने इसके अंदर पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के लिए पेन ड्राइव इस LED के पीछे लगा दिए, और उसके बाद इसको ओके करेंगे हम। और फिर उसके बाद अपडेट फॉर यू डिस्क, मतलब जो अपनी पेन ड्राइव का जो है उससे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो पेन ड्राइव में फाइल है अपडेट दंगल वाली, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये अपडेट होना चालू हो चुका है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर EMMC करने के बाद नेटफ्लिक्स या फिर कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे। उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखिए, जब तक ये आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट हो रहा है। फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेट को एंटर दबा के इसको रीबूट कर देना।
एमआई लोगो आ चुका है, जैसे कि पहले यहाँ पे आता था और सेट रिस्टार्ट मोड में चला जाता था वापस। तो अभी ये सेट आपका ऑन कंडीशन में जा रहा है, देख सकते हैं आप। आपका जो ये सेट है पूरा वर्किंग में आ चुका है, एंड्रॉयड टीवी आ गया इसका। इसका एक और भी हिडन ट्रिक है जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कुछ जब ये मेरे पास कोई अगेन कोई ऐसा ही फॉल्ट आएगा एमआई का, तो मैं वो वीडियो भी डालूँगा। उसमें आपको क्या करना है कि ईएमएमसी का फॉल्ट होगा तब भी ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ईएमएमसी में बैड ब्लॉक आने के बाद जो ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता है पर चलता नहीं है, मतलब कंप्लीट अपडेट ही नहीं होता, इस रिकवरी मोड पे ही रुक जाता है। देखिए अभी ये पूरा रिमोट वगैरह इसको पेयर करेंगे हम। रिमोट में कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये रिमोट पेयर नहीं हो रहा है, या तो इसकी बैटरी वगैरह लो, मतलब इसका जो सेल है वो लो है। अब नेक्स्ट आप ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।